5 राज्यों में चुनाव हुआ और उस रिजल्ट आने के बाद 3 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद से पूरा हलचल मच गया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी से हमारे साथ अमर आजाद जी हैं। इनसे हम चलिए बातचीत करते हैं, आखिर कांग्रेस की हार क्यों हुई है, क्या लगता है सर, बीजेपी जीत गई कांग्रेस हार गई, आखिर क्या भूल चुक हुई, क्या उनसे गलती हुई? देखिए, कांग्रेस का हारने का बहुत सारा कारण है और कांग्रेस बोलती कुछ है करती कुछ और है। कांग्रेस ने सवाल यह है कि कांग्रेस ने जो कितने दलित आदिवासी को टिकट दिया, कितने मुसलमानों को टिकट दिया, जो वो जनता को मीडिया में दिखाने का प्रयास कांग्रेस करती है कि हम दलितों के साथ हैं, हम आदिवासियों के साथ हैं, हम सोशल जस्टिस के साथ हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे समाज के लोगों की इतनी आबादी है आप उसको कितना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, आप कितना टिकट दिए हैं, आप दीजिए बताइए, और आपकी विचारधारा क्या है, आप तो कॉपी कर रहे हैं, आप तो बीजेपी का कुछ लघु आरएसएस की विचारधारा को मानने पर तुल गए हैं, आप उसका हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के आगे चल रहे हैं, आपका जो पहले का जो रोल था, पहले जो पार्टी काम करती थी कांग्रेस सबको लेकर के चलती थी, अब तो उस तरह के काम नहीं कर रहा है। अभी भी इन लोगों को अगर थोड़ा सा भी शर्म है और अपना पार्टी और अस्तित्व को बचाना चाहता है, जो सामाजिक न्याय का ये सब बात करता है, तो इन लोगों को कोई दलित प्रधानमंत्री 2024 में घोषणा करना चाहिए, बहन मायावती जी को साथ इन लोगों को लाना चाहिए, प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर सब विपक्ष को मिलकर, नहीं तो इन लोग लोकसभा में भी इन लोगों का यही हसल होगा, यही हाल होगा, और विधानसभा से भी बुरी तरीका से लोकसभा में ये सब हारे। सर, हम लोग लगातार एमपी में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और सामने निकल के आ रहा था कि कांग्रेस को लोग काफी पसंद कर रहे थे, लोग कह रहे थे चाहे तो मायावती की सरकार लेंगे नहीं तो फिर हम कांग्रेस की सरकार लेंगे, लेकिन सर रिजल्ट आया और 9% का डिफरेंस देखने को मिला जो कि काफी मात्रा में ये है। पिछले बार जो है कांग्रेस जीती थी और इस बार एमपी में इतनी भयानक तरीके से हारी, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि लाडली बहना जो योजना था उससे जो है बीजेपी सरकार को बहुत लाभ हुआ, जहां 1 रुपया नहीं मिलता था उनके खाते में 1200 रुपया आया, तो महिला एक बहुत बड़ी वोट का कारण बनी है। बिल्कुल, देखिए महिलाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जनहित में है, जो गरीबों का मदद के लिए है, और कांग्रेस जो है सिर्फ बोल करके रह जाती। इनका जो प्रदेश था वहाँ पर जाति जनगणना इन लोगों ने नहीं करवाया, इनकी सरकारें थी, बोला कि जब जीत के आएंगे तब करेंगे, तो जनता मूर्ख थोड़ी है। आपका मेन आइडियोलॉजी क्या है, आप किस आइडियोलॉजी बेस पे जनता के पास जा रहे हैं, आपका विकास का पैमाना क्या है, आपका चेहरा कौन है प्रधानमंत्री का, ये सब तय नहीं कर पा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो 5 राज्यों में और उसमें से 3 बड़े राज्य जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इन राज्यों में एकदम बुरी तरीका से कांग्रेस की हार हुई है। इन लोगों को चाहिए जब तक ये लोग दलितों को ये सब जब तक नहीं करेंगे, नेतृत्व प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम यह चाहते हैं कि बहन मायावती जी को 2024 में ये सब विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री नॉमिनेटेड करें, नहीं तो ये लोगों का और बुरा हाल हो जाए। सर, भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे और जो उन्होंने रैली निकाली थी हम लोग ने देखा था, रैली में कितने लोग शामिल थे, लाखों की संख्या में थे जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने तस्वीर ले लिया, तो क्या हम इससे अंदाजा लगा सकते कि रैली में लोग अगर पहुंचते तो उससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां किनकी सरकार बनेगी, रैली में लोग ऐसे ही मतलब पैसे देख कार्यक्रम करते हैं, कई रैली में जाते हैं, रैली में किस तरीके से भीड़ आती है, किस तरह से गरीब दलितों को वो बसों में गाड़ियों में करके लाया जाता, उससे वोट का कहीं भी ये नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पे, जो जमीनी स्तर पे, से वार्ड स्तर और ग्रामीण स्तर पे, बूथ स्तर पे जो पार्टियाँ उनके हित में काम करें वही पार्टी जीतेगी, और आरएसएस और बीजेपी मिलकर के ग्राउंड स्तर पर वो पहुंची हुई है, घर घर तक पहुंची हुई है, जिसको तोड़ने में ये कांग्रेस वाले नाकाम है और ये बोलते कुछ है करते कुछ है, इसी का परिणाम है कि ये लोग हार रहे हैं।
सर राहुल गांधी रिजर्वेशन की तो बात करते हैं, मगर जब टिकट बांटने का टाइम आता है तो वो टिकट नहीं बांटते हैं, दलितों को एसटी ओबीसी को नहीं बांटे। वहीं हम बीजेपी को देख ले तो उन्होंने खुल खुल के टिकटें बांटे, क्या ये भी कोई एक रीजन होगा, क्या लगता है? बिल्कुल रीजन है, आप बहुजन समाज के लोगों को टिकट नहीं देंगे, दलितों को टिकट नहीं देंगे, आदिवासियों को टिकट नहीं देंगे, मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट नहीं देंगे और उसकी वोट की अपेक्षा करेंगे, तो ये तो गलत है। यहाँ तो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन की बात है कि अब रिप्रेजेंटेशन जो देगा उसके साथ जाएंगे। अब लोग जागरूक हो चुके हैं संवैधानिक तौर पे और किसी को बरगलाने की, यही लोग का बेकूफ और मूर्खता के कारण बीजेपी बार बार जीत रही है, क्योंकि जमीन स्तर पे इन लोग दलितों के साथ खड़ी नहीं है, दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के साथ ये सब। बिहार में भी वही असलों का अभी सरकार है नीतीश कुमार जी का, मगर अभी देखिए इंडिया एयरलाइंस का कहीं चर्चा उर्चा नहीं है, प्रतिदिन बिहार में दलितों की हत्या, यहाँ भी चुनाव होगा तो वही हसल हो जाएगा, क्योंकि देखिए दलित अब कुछ बोलेगा नहीं, वो साइलेंट होकर के वोट दे दे रहा है जा करके, कि जो अब देख रहा है जिसकी सरकार है उसमें अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार हो रहा है तो फिर तो उसको वोट कैसे देगा। तो ये सब पे अंकुश लगा रहा, अभी भी समय है, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, कि ये लोग एक मजबूत दलित लीडर जो हमारे देश की बहन मायावती जी हैं उनको ये सब करे, उनको ये सब नेतृत्व दे और प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करे, नहीं अगर पेश करेंगे तो इनको लोकसभा में बुरी तरीका से इनका ये सब का हार होगा। मगर सर रैली में देखा जाए, प्रोटेस्ट में तो मायावती को देखने को बहुत कम मिलता है, वो लोगों से रूबरू नहीं होती है, लोगों से मिलती नहीं है, तो कैसे हम कयास लगाए कि ऐसी बात नहीं है। मायावती जी ने, बहन जी ने जितना संघर्ष किया है और काशीराम जी की, बाबा साहब आप देखेंगे कि अभी हम लोग जो जय भीम के बारे में जानते हैं, बहुजन शब्द को जानते हैं, बहुजन महापुरुषों को जानते हैं, तो घर घर जाकर के बहन जी ने संघर्ष किया है, अपना पूरा जीवन, अपना जीवन, वो अपना निजी जीवन का भी त्याग कर दिया है, वो इतने त्याग किया कि उन्होंने शादी तक नहीं की, अपने बहुजन समाज को पूरा समय दे दिया है, वो उनका रैली बड़ा बड़ा होता है, वो रैलियों के माध्यम से संवाद करते हैं, ट्वीट भी अब वो करने लगी हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और सबसे मिलती भी हैं, लखनऊ हो दिल्ली में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं मिलती है। हाँ, कहीं पर अगर घटना हो रहा है बड़ा तो वो पार्टी रैली ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, जिस तरह से समाज में गलत मैसेज चला जा रहा है, तो अभी हम लोग का रणनीति बन रहा है कि जहाँ भी दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार होगा वहाँ पर बहन जी जाएंगी, पार्टी के बड़े नेता, हम लोग भी पूरे बिहार में जहाँ भी अत्याचार हो रहा है दलित पिछड़ों पर मुसलमानों पर हम लोग जा रहे हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार जी हैं उनके साथ हम लोग जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। पार्टी का बड़ा लीडर मायावती जी को छोड़ करके बाकी टोटा आकाश आनंद जी जा रहे हैं, रामजी गौतम जी हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो सब जगह जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर है हम लोग और भी मजबूती से कार्यकर्ताओं के बीच जा करके पार्टी और विचारधारा को, बाबा साहब के विचारधारा को बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। सर कांटे की टक्कर देखा जा रहा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन सर जिस तरीके से हार हुए, अब क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? बहुत लोग थे कि 2024 में प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाएंगे, लेकिन अब क्या लग रहा है सर? अब तो उम्मीद में पानी फिरता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल पानी फिर जाएगा, वो जब राहुल जी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, बहन जी को बनाए प्रधानमंत्री कैंडिडेट, विपक्ष का लोग घोषणा कर दे बिना शर्त के, वो मौका दीजिए, आप उनको आगे बढ़ाने का काम करिए प्रधानमंत्री, तभी आपको उपाय, नहीं तो आपको निश्चित हार होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सर इस इलेक्शन में घोटाले की बात कही गई है, 11,000 वोट की भी घपला हुई है, वही सील भी तोड़ा देखा गया, ऐसा ट्वीट किया गया, एक क्लिप छोड़ा गया, इसमें आपकी क्या राय है? इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी को सड़कों पे उतरना चाहिए था ना, ईवीएम का भी मामला है, ईवीएम के चलते भी कांग्रेस पार्टी को सड़क पे उतर कर क्यों नहीं कांग्रेस आंदोलन कर रही है, ईवीएम के खिलाफ यह घोटाला हुआ, कहीं भी इसका देखिए ये लोग मिले हुए हैं, हम तो कहेंगे ये सब बीजेपी से ही मिले हुए हैं। हमारे साथ बीएसपी से अमर आजाद जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा इस बारे में, आप क्या सोचते हैं? ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे बीटी न्यूज के साथ, मैं फरहत अफसर पटना।